वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि मेरे नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कंफर्ट लर्निंग। आज का हमारा वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे की ऑनलाइन स्टडी को लेकर बहुत ही वरीड है। उसको टेंशन है कि ऐसा क्या करे कि बच्चे की होम स्टडी भी स्कूल के जैसी ही हो और उसका ये ईयर फेल ना जाए। हम सब जानते हैं कि अगर हमारा बच्चा कोई कारण से कोई एक साल अच्छे से नहीं पढ़ा तो उसकी इफ़ेक्ट हमें अगले साल देखने को मिलती है। तो आज मैं आपको 10 टिप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप अपने बच्चे की ऑनलाइन स्टडी में सुधार ला सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स को ऐसी ऑनलाइन स्टडी को लेके कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे कौन सी ऐप यूज़ करनी है, कैसे उसको स्टार्ट करना है, कैसे उसमें ज्वाइन होना है, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें स्कूल में से मिल जाती है। बट अगर भी अभी भी आपको कन्फ्यूज़न है तो इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो इसके अवेलेबल होते हैं और बहुत सारे लैंग्वेज में भी अवेलेबल होते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में वो वीडियो देख सकते हो। अगर आपका बच्चा ऑनलाइन स्टडी कर रहा है तो आप भी इंटरनेट का भरपूर फ़ायदा उठाए और आपको आप अपने बच्चे को स्टडी में हेल्प करें। ऑनलाइन स्टडी एकदम सिंपल और इजी थिंग है तो उसको लाइटली लें और ये 10 टिप्स को फॉलो करें जिससे आप अपने बच्चे को ऑनलाइन स्टडी में हेल्प कर सकते हो। तो चलिए ये 10 टिप्स देख लेते हैं। पहले टिप्स है, बच्चा जहाँ पे बैठ के अपनी ऑनलाइन स्टडी कर रहा है वो सिटिंग उसको कंफर्टेबल हो। वो जहाँ पे बैठ रहा है उसको वहाँ से वो जो भी यूज़ करता है मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर, उसको वो अच्छे से मैनेज कर पाए, तो उसकी सिटिंग कंफर्टेबल होनी चाहिए। सेकेंड टिप्स है कि बच्चे को क्लासेस के ड्यूरिंग जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है वो सारी चीज़ें उसके आसपास हो, लाइक पेंसिल, इरेजर, शार्पनर या कोई बुक्स या वाटर बॉटल, ये सारे उसके आसपास रहनी चाहिए जिससे बच्चे को जो भी चाहिए वो इजीली यूज़ कर सके। थर्ड टिप्स है कि बच्चा जहाँ पे बैठ के उसकी ऑनलाइन स्टडी कर रहा है उसका वहाँ का माहौल हमें क्लासरूम जैसा क्रिएट करना है और ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नॉइज ना हो जिससे बच्चे को ऑनलाइन स्टडी में डिस्टर्बेंस ना हो। फोर्थ टिप्स है कि बच्चे का जब ऑनलाइन क्लासेस का टाइम हो उससे 15 मिनट पहले हमें सारे कनेक्शन चेक कर लेने हैं, उस वो जो साइट पे स्टडी कर रहा है वो साइट ओपन करके रख देनी है जिससे बच्चा टाइम पे क्लास ज्वाइन कर सके और उसका कुछ मिस ना हो। टिप नंबर 5 है कि अगर आपके बच्चे के क्लासेस मॉर्निंग में हैं तो उसको उसके टाइम से पहले जगा दे, उसको फ्रेश करवा दे, उसका रूटीन कंप्लीट करवा दे, अगर उसको भूख लगी है तो उसको कुछ खाने को दे दे और उसके बाद उसको वो जो नेक्स्ट लास्ट क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसका थोड़ा रिवीजन करवा दे तो उसको नेक्स्ट क्लास में जो वो सब्जेक्ट में जो टॉपिक है उसको समझने में आसानी हो। टिप नंबर 6 है कि अगर आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो तो ऑनलाइन क्लासेस के ड्यूरिंग आप अपने बच्चे के साथ बैठे जिससे बच्चे को कोई टॉपिक में कन्फ्यूजन हो तो वो आप दूर कर सके और कोई टॉपिक नोट करना है तो वो भी आप कर सके। और अगर अपने आपके बच्चे का क्लास वर्क कम्प्लीट नहीं हुआ तो आप उसका फोटो भी ले सके। टिप नंबर 7 है, बच्चे को डेली होमवर्क कराए। जो भी उसको क्लासेस में होमवर्क मिल रहा है वो आपको डेली करवाना है जिससे बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में जो भी टॉपिक समझा है उसका होमवर्क वो ही दिन कर देता है तो उसको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाता है, तो उसको डेली होमवर्क करने की हैबिट डालें। टिप नंबर 8 है कि बच्चा जो भी फ़ोन यूज़ कर रहा है उसकी सारी नोटिफिकेशन हमें ऑफ कर देनी है जिससे उसको उसके क्लासेस के ड्यूरिंग उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और फ़ोन की ब्राइटनेस का भी ध्यान रखना है कि वो ना कम ना ज़्यादा हो, उसमें बैलेंस हो जिससे बच्चे की आंखों को नुकसान ना हो। और अभी हमारा बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे उसके क्लासेस 2 या 3 आवर्स होते हैं तो वो कंटिन्यूस फ़ोन या लैपटॉप के सामने बैठा रहता है, तो उसका जो एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम होता है जिसमें हमारा बच्चा गेम खेलता है या कुछ मोबाइल में कार्टून देखता है तो वो स्क्रीन टाइम हमें कम करना है। उस टाइम पे हमें एक्टिविटी करवानी है या उसके साथ कुछ खेलना है, कुछ होमवर्क कराना है, उसके स्टडी रिलेटेड कुछ कराना है या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवानी है जिससे बच्चे का कम से कम स्क्रीन टाइम हो और उसकी आँखों को भी नुकसान न हो।
टिप नंबर 9 है, हमें बच्चे की नींद का ध्यान रखना है। हमें बच्चे को रात को जल्दी सुला देना है जिससे सुबह तक उसकी नींद कंप्लीट हो जाए, उसको कंप्लीट रेस्ट हो जाए, जिससे बच्चे को अपनी ऑनलाइन क्लासेस के ड्यूरिंग लेजीनेस ना हो। टिप नंबर 10 है, हमें हमारे बच्चे को इस टाइम से वाकिफ करना है। हमें बच्चे को समझाना है कि अभी हम स्कूल नहीं जा सकते, यही हमारी स्कूल है, सो यहाँ पे भी हमें डिसिप्लिन में रहना है। ऑनलाइन क्लासेस के ड्यूरिंग जो भी हमारी टीचर हमें कुछ बोल रहे तो उसके साथ हमें कोऑपरेट करना है, इसलिए हमें हमारे बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन सिखानी है। अगर ये 10 टिप्स आपको अपने बच्चे की ऑनलाइन स्टडी में कुछ हेल्प करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।